Good morning, students. Now in exercise 13.4, write the following numbers in expanded form. हमें जो नंबर दिया हुआ है उसको expanded form में लिखना है. Expanded form का क्या मतलब होता है? Expanded form का मतलब होता है कि उसका place value जो है उससे उसको multiply करना है और total हमें represent करना है. ठीक है, जैसे unit place digit क्या है? 5, तो उसको किससे करेंगे? 1 से मल्टीप्लाई. टेंथ प्लेस डिजिट क्या है? 3, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. 0 कौन से प्लेस पे है? 100 प्लेस पे, तो उसको 10 रेज टू पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 7 कौन से प्लेस पे है? 1000 प्लेस के, 10 रेज टू पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. इसी तरह 10 रेज टू पावर 4 से और 10 रेज टू पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो इस तरह से हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं. जैसे कि ये नंबर दिया हुआ है 9500865. 5 कौन से प्लेस पे? यूनिट प्लेस पे. यूनिट प्लेस को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 10 रेज टू पावर 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. 6 कौन से प्लेस पे है? 10th प्लेस पे, तो 10 रेज टू पावर 1 से. 8 कौन से प्लेस पे? 100 प्लेस पे, तो 10 रेज टू पावर 2 से करेंगे. 0 कौन से प्लेस पे है? 1000 प्लेस पे, 10 रेज टू पावर 3 से करेंगे. इसी तरह 10 रेज टू पावर 4 से करेंगे. फिर 5 को 10 रेज टू पावर 5 से करेंगे और 9 को 10 रेज टू पावर 6 से करेंगे. तो दैट इज योर एक्सपेंडेड फॉर्म. इन सेकंड क्वेश्चन राइट द नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म. अब आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है, आपने उससे नंबर निकालना है. सबसे पहले आपने पावर देख लेनी है, क्या सबकी पावर कंटिन्यूसली है. अगर कंटिन्यू फॉर्म में है तो हम डायरेक्ट प्लेस करेंगे. कैसे? 10 रेज टू पावर 5, 4, 3, 2, 1, 0. इसका मतलब पावर सारी कंटिन्यू है, तो नंबर को डायरेक्ट लिख देंगे 4, 5, 4, 5, 0, 6, 7, 8. जैसे ये है, इसके चेक करेंगे 3, 2, 1, 0. पावर क्या है? 10 की 3, 10 की 2, 10 की 1, 0. फिर लिखेंगे 1, 9, 2, 8. अगर बीच में कहीं ब्रेक हो रही है पावर, तो वहाँ पे हम पावर बना लेंगे अपने आप. कैसे? 0 इंटू दिस पावर, अगर कोई मान लो पावर नहीं है तो. थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हमने. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि आपने क्या करना है, 10 रेज टू पावर में नंबर को लिखना है. कैसे लिखेंगे? आपने फर्स्ट डिजिट को छोड़ के बाकी के नंबर काउंट कर लेने हैं. कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. हम क्या करेंगे? 10 रेज टू पावर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 रेज टू पावर 7 से डिवाइड करेंगे. ये जो नंबर है ये क्या करेगा? इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देगा. और ये वाला नंबर ऐसे कैसे आ जाएगा? तो 8.00130000 इंटू 10 रेज टू पावर 7. तो ये हमारे पास किस में आ गया? स्टैंडर्ड फॉर्म में. सेकंड क्वेश्चन देखो, 4 को छोड़ के बाकी डिजिट काउंट कर लो. कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो हम 10 रेज टू पावर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 रेज टू पावर 10 से डिवाइड करेंगे. ये क्या करेगा? इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर देगा और ये नंबर हमारे पास ऐसे कैसे आ जाएगा? रेस्ट फॉर सेल्फ प्रैक्टिस. अब हमें क्या दिया हुआ है? स्टेटमेंट्स दी हुई है. उन स्टेटमेंट्स में जो नंबर है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. जैसे यहाँ पे नंबर क्या है? 1353000000. तो हमें क्या करना है? 1 के बाद नंबर काउंट कर लेना. कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो 10 रेज टू पावर 9 से डिवाइड करेंगे, 10 रेज टू पावर 9 से मल्टीप्लाई. ये क्या करेगा? इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर देगा. पीछे की जीरो हम छोड़ सकते हैं, जो लास्ट में नंबर होता है वहाँ तक लिखना ज़रूरी है. जैसे इसमें लास्ट नंबर क्या है? 3. तो 3 तक लिखना ज़रूरी है नंबर को, बाकी हम स्किप कर सकते हैं. 10 रेज टू पावर 9 क्यूबिक किलोमीटर. जैसे ये हमारे को दिया हुआ है, द यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 12000000 ईयर ओल्ड. तो हमने क्या करना है? नंबर काउंट करो. कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो 10 रेज टू पावर 10 से डिवाइड करेंगे, 10 रेज टू पावर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये क्या करेगा? इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देगा. कितनी जीरो के बाद पॉइंट लगेगा? कितने नंबर्स के बाद? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो कहाँ लगेगा? 2 के बाद पॉइंट लगा दिया. इंटू 10 रेज टू पावर 10 ईयर. डायमीटर ऑफ द सन नंबर काउंट करेंगे. इसी तरह कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो 9 से मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर, 10 रेज टू पावर 9 से डिवाइड करेंगे. ये इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा. कितने के बाद पॉइंट के बाद लगता है डेसिमल? 9, क्योंकि नीचे कितनी है? 9.
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन के बाद लग गया, फोर के बाद आ गया नहीं, टेन रेस टू पावर नाइन, दैट्स फॉर सेल्फ प्रैक्टिस।